लेकिन 55 साल का आम आदमी पूछे का मतलब, तो मैं कहूंगा का मतलब ब्रह्म। तो सामने कौन है, कथा उस ढंग से हो जाती है। मां ने पूछा है, इसलिए भगवान ने गजब की व्याख्या की है। मां तुमने पूछा है मुक्ति क्या है, तो सुन लो, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सत्वं बंधाय रतंबा पुंसि मुक्तये। मतलब दो वस्तु है, एक है मृत्यु और दूसरा है मुक्ति। हमें पता कैसे चलेगा कि मरा कौन और मुक्त कौन? हमारे जीवन में बहुत से कामनाएं हैं, कामनाएं आदमी को दरिद्र बनाती है। ये कामनाएं तो हमारा हाथ आगे बढ़ाता है, कभी घर वालों के सामने हाथ फैलाते हैं, कभी भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं। हाथ हम फैलाते क्यों है? हमारे मन में कामना है, तो ये कामनाएं ही आदमी को दरिद्र बनाती है। कुछ कामनाएं हमारी पूरी हो जाती है और कुछ कामनाएं हमारी अधूरी रह जाती है। और मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताऊंगा, हम दोबारा दुनिया में आए क्यों हैं, आने का कारण क्या है? कुछ कामनाएं हैं जो पीछे छूट गई है, उसको पूरा करने के लिए हमने इस देह को धारण किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, पिछले जन्म में अगर आपके दरवाजे पर मरते समय दो बैल चार नौकर हैं, तो इस जन्म में आपको वही घर में जन्म मिलेगा जहां दो बैल और चार नौकर पहले से हैं, क्योंकि हमने पिछले बार जहां छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे। समझ में आ रही है बात? हमें उसी घर में दोबारा जन्म मिलेगा जहां हमने पिछले बार छोड़ा है। सीधे सीधे एक कामना ही है, तो इच्छाएं अधूरी और खजाने में सांस कम पड़ गया। इच्छाएं अधूरी और खजाने में सांस कम पड़ गया, मतलब मृत्यु हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि दोबारा आने का हमने कारण रख दिया है पहले से, जो इच्छाएं छूट गई वो पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। बस में आ रही। दूसरी बात, इच्छाएं खत्म, अब कामना से कोई काम नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप कल्पना करो, मन में कोई इच्छा नहीं, मन में कोई चाह नहीं, क्या अद्भुत जीवन होगा? सोचो, कोई इच्छा नहीं, चाह गई, चिंता नशी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शाहनशाह। चाह गई, कोई चाह नहीं, ना बेटा से, ना बेटी से, ना पड़ोसी से, यहां तक भगवान से भी कोई इच्छा नहीं। भगवान से भी हमें कोई मतलब नहीं कि प्रभु अब हमें ये दे। और खजाने में बहुत सांस है, ऐसा जो जीव है वो मुक्त है। से बोलो जय श्री कृष्ण। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या, हमने मन को भगवान में घुमा दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब जितने लोग कथा में आए, चाबी होती है ना, चाबी, चाबी, चाबी अगर राइट में घुमाया तो ताला खुल जाएगा,
बाया घुमाया तो ताला बंद हो गया, चाबी एक है, उसी से खुलेगा और उसी से बंद होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मन एक है, मन अगर भगवान में घुमा हुआ है तो माते मुक्ति समझ लो, और दुनिया में घुमा है तो तुम बंधन समझ लो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बस समझ में आ रही है, चाबी एक है, अब घुमा कहां है? आप कथा में बैठे बैठे सोचो, गोपियां क्या कहती उद्धव जी से? उद्धव मन ना भयो रस बीस। फिर से बोलो दस दिन, मन ना भयो रस बीस। एक ही था और वो तो गोविंद के पीछे चला गया, अब दूसरा कहां से आया? बहुत ध्यान से सुनो, एक ही मन है और भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारक। ये मन ही बंधन है और मन की ही मुक्ति है। ये सारा खेल तो मन का है, सीधे सीधे, क्योंकि शरीर को मुक्ति दिलाने के लिए सोचना व्यर्थ है, क्योंकि ये पांच तत्वों का है, ये पांच तत्वों में ही जाएगा। बस समझ में आ रही है, आत्मा जो भीतर बैठी है उसको इसकी जरूरत है ही नहीं। तो ये सारा हम ये जो क्रियाकलाप हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? ये 3 घंटा आकर के कथा में हम क्यों बैठे हैं? किसी भी तरह मन भगवान में लग जाए। जितना बड़ा घर है उतना बड़ा कोई दरवाजा तो नहीं बनाता, और जितना बड़ा दरवाजा है उतना बड़ा कोई ताला लगाता है? कहां घर 60 फुट 3 तल्ला और कहां 6 फीट का दरवाजा। अच्छा, 6 फीट के दरवाजे पे 6 फीट का कोई ताला तो लगाते हैं, तो ताला कितना लगता है? बोले 4 इंच का। अच्छा, तो 6 फीट का दरवाजे पर 4 इंच का ताला लगा है तो क्या 4 इंच की चाबी से खुलेगा क्या? चाबी कितनी होती है? 2 इंच की। मकान का हाइट कितना है? 60 फुट। चाबी कितनी है? 2 इंच। लेकिन भूलना मत, जब तक ये 2 इंच की चाबी नहीं होगी तुम भीतर नहीं जा सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मन बहुत छोटी चीज है लेकिन बिना इस मन का तो मोक्ष के द्वार तक नहीं जा सकते। फिर से बोलो जिस दिन इसलिए मन प्रयास करे ये मन भगवान में घूम जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और ये संभव कब होगा? इसी देह में संभव होगा और किसी देह में नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सीधे सी बात, सब कुछ तैयार है। भगवान ने मनुष्य का शरीर भी दिया, भगवान ने भारत जैसे देश में जन्म दिया, सनातन धर्म में जन्म दिया, मुंगेर जैसे संस्कार से ओतप्रोत इस शहर में जन्म दिया, परिवार अनुकूल दिया, अब क्या चाहिए? भगवान ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं किया, ये सारी कमियां हमारे अंदर है। मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। गोपियां है ना, गोपी एक दिन भगवान से बोली, कन्हैया हमें तुम्हारे साथ खेलना है, हमें तुम्हारे साथ खेलना है। भगवान ने कहा, अपनी उम्र देखी हो? मेरी उम्र देखी हो? मैं 1.5 वर्ष का और तुम कहां 60 साल की, कहां 65 साल की, हमारा तुम्हारा जोड़ी कैसे बनेगा? गोपियों ने लाला से कहा, तो एक काम करो, क्या तुम बड़े हो जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की,
अगर आपको ये एज फैक्टर काम कर रहा है तो आप बड़े हो जाओ। भगवान ने कहा बड़े तो हो सकता हूं लेकिन बाल लीलाएं छूट जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, हमारी जो बाल लीलाएं हैं वो कहां होगी? हम तो बड़े नहीं हो सकते। तो गोपियों ने कहा काम करो, क्या तुम हमको छोटे बना दो? जब से मुझे ये कर सकते हो, ये तुम्हारा बस का है? भगवान ने कहा ये तो मेरा बस का है। पता है गोपियों ने क्या कहा भगवान से? इसी ब्रज में इसी जीवन में इसी शरीर में तुम्हारे साथ खेलना है। तो उसे बुजुर्ग से अगला जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा क्या भरोसा? भारत में जन्म मिला, आप जितनी विशाल संख्या में लोग बैठे हैं, क्या मालूम अगले बार भारत में नहीं मिला तो कहीं दूसरे देश में पैदा हो गए तो भागवत सुन पाएंगे? अच्छा चलो हम भागवत में छोड़ो, हम भारत में पैदा हो गए, मान लो गदा सूकर कुकर बन गया तो तब तो राम राम हो गया। चलो मनुष्य शरीर में ही दिया, भारत में ही जन्म दिया, कोई जरूरी तो नहीं है हम सनातन धर्म में जन्म ले, तब क्या होता? चलो ये भी मान लिया सनातन धर्म में मिला, भारत में मिला, मनुष्य के शरीर में मिला, अगर परिवार अनुकूल नहीं होगा तो? आपका परिवार अनुकूल है तभी तो आज कथा में है। अगर परिवार अनुकूल नहीं होता तो आपका पति कहता है घर बैठो कोई सत्संग नहीं, बैठो घर। हम सब कथा में क्यों है? हमारा परिवार अनुकूल है, हमें कोई प्रतिबंध नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हम भगवान से क्यों नहीं मिले? भगवान हमसे मिले क्यों नहीं? एक कमी हमारे भीतर है, वो क्या? हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, अगर अभी इसी मुंगेर में बैठ करके आपने ठान लिया इसी देह में इसी मुंगेर में दुर्गा जी तेरा दर्शन करना है, आना पड़ेगा, आएगी। बशर्ते तुम्हारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और ये इच्छा शक्ति भगवान नहीं तुमको खुद भीतर से पैदा करना पड़ेगा। प्रभु से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी इच्छा शक्ति सब में है। आप जितने मेरे भैया लोग बैठे हैं, मकान बनाना है ठान लिया बना लिया बना लिया, ब्याह करना है सुंदर बीवी चाहिए ठान लिया हो गया। अरे जो जो हमने ठाना सब किया ही है, तो ये क्यों नहीं ठाना अभी तक? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सब कुछ तैयार है, बस ये चाबी थोड़ा लेफ्ट से राइट में घूम जाए हो गए। मां ने कहा प्रभु जी हाँ, कहना कितना अच्छा लग रहा है कि घूम जाए चाबी, लेकिन घूमती नहीं है। क्यों नहीं घूमती? रोज सुबह उठ करके हम सोचते हैं भगवान में घूम जाए, भगवान में मन लग जाए, लेकिन घूमता ही नहीं है। क्यों नहीं घूमता? बोले आपकी माया बड़ी प्रबल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, आपकी माया बड़ी प्रबल है। तब भगवान कपिल कह रहे मां माया का मतलब क्या है? मां मतलब नाम, मां मतलब नाम, या मतलब है नहीं, और हमने हां मान करके रखा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, ये मकान हमारा है? बोले ना, लेकिन हमने मान के क्या रखा है? मेरा है। शरीर हमारा है? बोले नहीं है, लेकिन हमने अपना मान करके रखा है। ये दुनिया हमारी है? बोले नहीं है, लेकिन हमने हां मान करके रखा है। ना को हां मान लेना, बस
भगवान है? तो बोले हैं। तुमने माना है? बोले ना। अब बताओ, भगवान है उसको हम मानते नहीं, दुनिया हमारी है नहीं, उसको पकड़ करके रखे, यही माया है। चले गोस्वामी जी के पास, हम झूठे दोष देते हैं, माया क्या है? राग तोड़ी, सो माया बस भयहु गोसाई, 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 बंध्यो कीर मर कट की मर कटीर मर कटी बंधो कीर मर कटी मोह सकाला चले। मैं आपको इसका अर्थ बता दूं, हमारी आपकी दशा कैसी है? सो माया बस भयहु गोसाई बंध्यो कीर, कीर माने तोड़ता, मरकट माने बंदर। और जितनी मेरी माताएं और बेटियां कथा में आई हैं, आहा, कभी छत पे जाओ कपड़ा उठाने, बैठा है कौन? बानर। हिम्मत है छत पे जाने की? जैसे ही ऊपर गए, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे दांत, भागे नीचे, फिर नो नो से बाबा से कहते जा, डंडा लेके जाना, लेके ध्यान से सुना, क्या कोई बंदर को पकड़ सकता है? बंदर पकड़ में आएगा? पहले तो बंदर तुम्हें इतना डराएगा कि तुम पास ही नहीं जाओगे। यदाचित हिम्मत करके गए, कूद जाएगा कहां? आपके घर से पड़ोस के घर पे कूद गया, वहां से कूद के टंकी पर चढ़ जाएगा, टंकी पर से टावर पर चढ़ जाएगा, और तुम जाओ टावर पर। बंदर हाथ नहीं आता, लेकिन वही बंदर मदारी के हाथ की कठपुतली कैसे बना?
बैठे बैठे सोचें, वही हमारी दशा है, वही हमारी दशा हो गई। हम भी कठपुतली बन गए साहब, प्रेम से बोलो जैसे संदेश। ध्यान से सुनना, सुराही समझते हैं, पानी पीने वाला बर्तन मिट्टी का, मुंह बड़ा छोटा होता है, गर्दन बड़ा लंबा होता है, पेट बड़ा होता है, मिट्टी का बर्तन, बड़ा लंबा गर्दन होता है, मदारी, सुराही में चना भूंजा, चने का आधा पुरानी आधा भरता है और ले जाकर के रख देता है पेड़ के नीचे। और बंदर बड़ा जिज्ञासु है, बंदर ने सोचा अरे ये क्या चीज है, नीचे उतर के आया, ऐसे झांक के देखता है तो दिखता तो कुछ है ही नहीं, लेकिन नाक में चने का सुगंध, हाँ नतीजा बानर हाथ डालता है, एक चना निकाला खाया, ऊपर देखा, बनरिया पूछने लगी बड़े खुश नजर आ रहे क्या है, बानर बोला सुनती हो इसमें चने हैं, बड़े सुंदर स्वादिष्ट। नतीजा बनरिया कहते तो लाओ हम भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। अब लालच में क्या करता है, दोनों हाथ डाल देता है, गुरु वृंदावन बिहारी लाल। सुराही का मुंह पतला है, जाने के लिए तो भीतर हाथ गया, लेकिन भीतर जाकर के मुट्ठी फैल गई। अब हाथ निकलेगा, अब हाथ निकलने वाला बहुत ईमानदारी से बता दो, जैसी ही बानर हाथ भीतर डाल देता है, मदारी वहां से चल जाता है। क्यों? मदारी जानता है ये चना नहीं छोड़ेगा, जब से जाल लेके जब चल देता है ऊपर बैठ के बनरिया कहते हैं छोड़ो जल्दी आओ देखो पकड़ के ले जाएगा, तो बंदर क्या करता है, मुट्ठी बंद है हाथ खींचता है। अब जितने मेरे भैया लोग बैठे बताओ निकलेगा हाथ, निकलेगा लाख जतन करो नहीं निकलने वाला, हाथ उस शर्त पर निकलेगा जब मुट्ठी खोलोगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, मुट्ठी खोलना पड़ेगा, जब तक मुट्ठी खोलोगे नहीं जाने वाले नहीं, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे, मुट्ठी बांध के निकल नहीं सकता साहब, लेकिन हम चाहते हैं मुट्ठी बांध के निकल जाए, नहीं निकलेगा, ये सुराही है, ये सुराही है, निकलने वाला नहीं। जिसका भी हाथ निकला है मुट्ठी खोल के निकला, हाथ पसारा हुआ निकला, मुट्ठी बांध के किसी ने निकाला ही नहीं है। नतीजा क्या करता है, बानर भागने का चेष्टा करता है, दोनों पैर बाहर दोनों हाथ अंदर, अब बंदर भागेगा, बनरे के तो छोड़ो उसको जल्दी आओ, बानर अब शांत हो गया, क्यों, ऊपर देव करके अपने आप को सरेंडर करके बोलता है देवी हाँ चना भी है इसके अंदर एक भूत भी है, देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूं लेकिन भीतर भूत बैठ करके हाथ पकड़ के रखा छोड़ ही नहीं रहा है। अब गलती किसकी है, खुद बंदर की, लेकिन बहाना क्या है, भीतर भूत बैठा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, ये हमारी कथा है, जुठे माया को दे रहे हैं दोष, माया को दोष दे रहे हैं, है नहीं
भूत भूत भीतर कुछ नहीं है, लेकिन हमने माया के ऊपर दोष मढ़ करके रखा है। प्रभु तेरी माया, प्रभु अरे माया वाया कुछ नहीं है जी, बहुत ईमानदारी से माया नाम की चीज है ही नहीं है। एक चौपाई और बोलो मेरे साथ गाई, उत्तराखंड में कागभुशुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे, गरुड़ जी से कागभुशुंडी कह रहे, गरुड़ ये एक चौपाई आप रट लेना, आज के बाद आपको कभी भी भगवान की माया लगेगी नहीं। नटकृत कपट विकट खगराया, नटकृत कपट विकट खगराया, नटकृत कपट विकट खगराया, नटकृत कपट विकट खगराया, नट सेवक ही ना व्यापी माया, 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 मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल जब शुद्ध शरत दीर दिहारी, जब शुद्ध शरत दीर दिहारी, नट सेवक ही ना व्यापी माया, नट सेवक ही ना व्यापी माया। समझ में आई बात? हिंदी में और बता दो, नटकृत कपट विकट खगराया, खगराया माने गरुड़, कागभूषुंडी कह रहे हैं हे गरुड़, नट, नट माने कौन, जादूगर। आप जितने मेरे बच्चे लोग कथा में आए, जादूगर क्या करता है, हाँ खाली डब्बा दिखाएगा, खाली डब्बा, बच्चों इसमें कुछ है, बच्चे बोलते नहीं है, गौर से देख लो, नहीं है, हाथ डाल के देख लो, है नहीं है, ठीक है, डब्बा रख दिया, ऊपर से रुमाल से ढक दिया, उसके पास एक छड़ी होती है, बच्चे लोग सोचते हैं इसी में सब जादू है, बच्चे लोग जादू की जड़ छड़ी घुमाने वाली, होता कुछ नहीं है, वो केवल नाटक है। ध्यान से सुनो, कुछ मंत्र सीख के रखते हैं और क्या करते हैं, जो रुमाल हटाया, खाली डब्बा में से कबूतर फड़फड़ फड़फड़ फड़ करके उड़ गया, बच्चे लोग बोलते हाँ ये कहां से आया, सब लोग दांत तले उंगली रख करके आश्चर्यचकित होते हैं, खुश होकर ताली बजाते हैं। लेकिन आप जितने लोग कथा में आए हैं सब तो ताली बजाएंगे, लेकिन उस भीड़ में एक आदमी ताली नहीं बजाता भोले वृंदावन बिहारी लाल की, वो कौन है, उसका नाम है जमूरा। जमूरा समझते हैं ना, जमूरा उसको कहते हैं जो जादूगर का अटैची डब्बा बर्तन भाड़ा सब धोता है, चेला जो भी समझो, असिस्टेंट सामान उठाने वाला, वो क्यों नहीं ताली बजाता, सबके आंखों में आश्चर्य, लेकिन चेला के आंखों में, चेला कहते गुरुजी हाँ इनको बनाओ बेवकूफ, आप हम जानते हैं तुमने कबूतर कहां से निकाला बोलो वृंदावन बिहारी लाल, वो हम जानते हैं तुम कबूतर कहां छुपा के रखे थे, और तुम बस दुनिया को बना लो। इस जादू का असर चेला पर पड़ा नहीं पड़ा, गरुड़ जी से कागभूषुंडी कहते हैं वो नट है, कौन ऊपर बैठा है, नटकृत
कपट विकट खगर आए, लेकिन एक शर्त है, क्या? नट सेवक ही न व्यापन माया उड़। तुम जिस दिन नट का सेवक बन जाओगे, फिर ये माया तुम्हें पता चल जाएगी, कहां से तुम खेल खेल रहे हो। हम जानते हैं तुम दुनिया को बना लो, हमको तुम नहीं बना सकते। क्यों? हम जानते हैं तुमने कबूतर कहां से निकाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बहुत मतलब कीजिए, वापस मैं आपको लेके चलू। यहां समझने की बात यह है, भगवान के तरफ हमारा मन मुड़ जाए, बस इसके लिए तीन उपाय बताया है। तीन उपाय, जैसे अगर हमें मुंगेर आना हो बाबा, अगर हमें मुंगेर आना है तो कितने रास्ते हैं? हम भागलपुर से मुंगेर आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। हम बरौनी से मुंगेर आ सकते हैं, हम खगड़िया से मुंगेर आ सकते हैं, बहुत से रास्ता है। अब जो रास्ते में आपको सुविधा मिले वहीं से मुंगेर आ जाओ, बस समझ में आए? बिल्कुल इसी तरह तीन रास्ता है। पहला योग मार्ग, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, योग मार्ग। दूसरा ज्ञान मार्ग, तीसरा भक्ति मार्ग। पहला है योग मार्ग। अब योग मार्ग में क्या है? हम सब बिहार के मुंगेर के, इस नगरी का नाम वैसे भी दूर दूर तक है, योग नगरी मुंगेर। तब योग के बारे में हम मुंगेर वालों को क्या सिखाएंगे? मुंगेर तो बच्चा बच्चा योग जानता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अष्टांग योग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और शुरुआत में क्या है? बड़े यम और नियम। यम नियम भीतर की तैयारी है, आसन और प्राणायाम शरीर की तैयारी है। बस समझ में आ रही है? आप सवेरे उठकर के सूर्य नमस्कार करो, शरीर आप एकदम निरोग रहे, काया एकदम चमके, लेकिन भीतर 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 चमक है। इतनी माताएं लोग बैठी हैं, अगर हमने बर्तन केवल अंदर अंदर मांजा, बाहर तो बिल्कुल नहीं धोया, तो बर्तन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, हमने केवल बाहर बाहर मांजा, भीतर गंदा का गंदा रह गया, तो भोजन अच्छा बनेगा? तो बर्तन को हम भीतर बाहर दोनों धोते हैं। माता लोगों की भाषा में समझाए, बात जल्दी समझ में आएगी। बर्तन को हम पहले भीतर मांजेंगे, उसके बाद बाहर मांजते हैं। किसी को मैंने आज तक ये नहीं देखा कि पहले बाहर मांजा तब भीतर, ना, पहले हम भीतर ही मांजेंगे। इसलिए अष्टांग योग में सबसे पहले क्या है? यम और नियम है। यम और नियम भीतर की तैयारी है। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदार्थ परिग्रह। अगर आपको भगवान से भेंट करनी है, आपको अहिंसा की पुजारी बनना पड़ेगा। क्यों? सुई अगर आपको चुभ गई, कितना दर्द होगा? उतना ही दर्द सामने वाले को भी होगा। ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बस समझ में, अगर हमें सुई चुभने के बाद कितना दर्द है, उतना दर्द सबको होता है, कम ज्यादा नहीं होगा। तो आप पूछेंगे, महाराज कम ज्यादा क्यों नहीं है? कोई रोता क्यों है? कोई बर्दाश्त क्यों करता है? वो बर्दाश्त करने की ताकत है। अगर वही सुई छोटे बच्चे को चुबा ले तो रोएगा आधा घंटा तक, है ना? वही बच्चे से बढ़कर के किसी आदमी को चुबा दो, दर्द उतना ही हुआ, लेकिन बर्दाश्त करने की ताकत बच्चे में नहीं है। दर्द तो एक ही है, बात को मेरी समझिए, दर्द में कोई भेदभाव नहीं है, उतना ही दर्द सबको होता है। जीव मात्र को ठाकुर जी की उपस्थिति मान करके देखो, जीवन बड़ा सुगम हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सब घट मेरा साईया,
खाली घटना कोई बलिहारी वा घटन की जाघट परघट जीव मात्र में ठाकुर जी विराजमान। सीधे सीधे सब मेरे गोविंद बैठा है। ये भाव जिस दिन हमारे हृदय में आ जाए तो फिर न काहू से वैर न काहू से उसकी, सब तो मेरे अपने ही हैं। अहिंसा सत्यम, सत्य बोलो, प्रयास करो हम सत्य के पुजारी बने। अस्तेय, अस्तेय मतलब, अस्तेय कहते हैं चोरी मत करो, भले एक रुपया क्यों ना हो। चोरी अगर हम करते हैं, अगर हम चोरी करते हैं, अच्छा मान लो चोरी के पैसे से हम कितना कमा सकते हैं, कितना दे, 10 लाख रुपया हमने चुरा लिया, मुंगेर आए, 10 लाख रुपये में क्या होगा, सुख मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिल सकती। बोलो वृंदावन बिहारी, आपने घर बना लिया मुंगेर में, मुंगेर में मेरा घर है, ये सुख है, लेकिन ये पैसा कहां से लाए हो, ये तुझे मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगा। शांति गई तो क्या फायदा। यावद आर्त परिग्रह, मतलब जितना जरूरी है उतना ही रखो, क्यों, ज्यादा रखोगे तो भगवान में मन कम लगेगा, तिजोरी में ज्यादा लगेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उतना ही रखो जितने में गुजारा हो जाए। इसलिए हम भारत के लोग क्या कहते हैं, साई इतना दीजिए। कितना, अरे बोलो, साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। इससे ज्यादा हमने कभी मांगा, आज तक हमने तो कभी नहीं सुना किसी को मांगते हुए, साई इतना दीजिए जितने में सारा बैंक भर जाए और थोड़ा कुछ बच जाए तो हम स्विस बैंक पट जाए, यहां तो हम नहीं मांगते। हम भगवान से उतना ही मांगते हैं जितने में हमारा गुजारा हो जाए। फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ना दिवाली था, याद है आपको, तो दिवाली को ना एक मेरे बड़े मिलने वाले मित्र थे, तो दिवाली के दिन मुझे फोन करके कहा, शास्त्री जी हाँ आज दीपावली है, शाम को पूजा वूजा करेंगे ना। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो हमसे कह रहे हैं भगवान इतना पैसा दे, इतना पैसा दे, कितना, आप ये सोच लो कि अब इतने पैसे से हम बैंक खोलें कि खाता खोलें, इतना पैसा है अब इस पैसे से क्या बैंक खोलें कि खाता खोलें। हम कहा भैया इतना की जरूरत नहीं है, हमारा तो खाता भी नहीं है, मैं कैसे बता रहा हूं। तो हम तो भगवान से कभी इतना नहीं मांगते, खास करके हम कितने भक्त लोग हैं भगवान से, उतना ही मांगते जामे कुटुंब समाए, क्योंकि पैसे से किसी का पेट भरा ही नहीं है। एक कमाते तो 10 की 10 कमाया, 100 100 कमाया तो 1000 1000 कमाया तो 10 हजार के चक्कर, भरेगा किसी का नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, भरने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है, यावद आर्त परिग्रह। तो भगवान ने बड़ा विस्तार रूप से योग साधना के बारे में बताया, ज्ञान क्या है खूब अध्ययन करो, जो मिले पढ़ो। एक लाइन बता दो आपको बहुत अच्छा लगेगा, दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त कौन है पता है, पुस्तक, बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत साथ देंगे आपके, पुस्तक सबसे अच्छे दोस्त है। और आजकल के जितने मेरे बच्चे हैं मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम बहुत भाग्यशाली हैं ये जमाने के लिए। उस जमाने में बुजुर्गों को लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताब लाने पड़ता था, आजकल हम घर में बैठ के कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपने कमरे में बैठ के कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में हम अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। सब बच्चों को मालूम, आजकल तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है, बस नाम डालो किताब का पूरा पूरा पन्ना निकलता है।
पढ़िए। दोस्त वही जो हमारा काम आवे, अध्ययन करो, पढ़ो। ठान लो हमें एक दिन एक नया शब्द सीखना है, हमें एक दिन एक नई चीज सीखनी है, जीवन इतना सुंदर हो जाएगा। क्यों? नोट कर लीजिए। हाँ, क्या समाज बुरा नहीं है? लोग कहते समाज बहुत बुरा हो गया। कहीं से नहीं समाज बुरा है, फिर हमारी आपकी समझ बुरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक आ की मात्रा लग गई तो समाज बन जाता है, आ की मात्रा हटा दो तो समझ हो जाती है। जैसे तुम्हारी समझ होगी वैसे तुम्हारा समाज होगा। समाज कुछ अलग नहीं है, आपकी जैसे समझ वैसे आपका समाज बनेगा। आपके जैसे तो, जैसे आप सोचते हैं वैसे आपको लोग मिलेंगे। आपकी समझ इतनी है तो इतने ही लोग मिलेंगे आपको, नहीं तो आपका पटेगा ही नहीं। इसलिए समझ बड़ा होगा। जैसे जैसे आपका समझ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका विस्तार होगा, समाज का विस्तार होगा। प्रेम से बढ़ो, जैसे समझ बढ़ाओ, अपनी समझ को ऊपर करो। समझ से ही समाज बनाए। आज भी समाज वैसा ही है, समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया, तुम्हारे समझ में प्रदूषण आ गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमें समाज में भी प्रदूषण दिखता है। आज भी अच्छे लोग हैं, हमारी समझ वैसे हमारा समाज। बात समझ में आई? तो ज्ञान मार्ग है, और तीसरा है भक्ति मार्ग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब भक्ति मार्ग किसको कहते हैं? हाँ, सवेरे उठो, शंकर जी की आरती किया, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम मुजगेंद्रा, हो गया? नहीं, ये तो कर्मकांड है। भक्ति मतलब क्या? तीन चीजें मिलेगी तभी भक्ति बनेगी। सबसे पहला है विश्वास, दूसरा है संबंध, संबंध, तीसरा समर्पण। फिर से सुन लीजिए, पहला है विश्वास। बिना विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रव ही न राम, राम बिना सपन हूं जीवन लह विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं बिना विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास की भक्ति शुरू ही नहीं होगी। अब आप जितने विशाल संख्या में आज जनता आई है, क्या हमें भगवान पर विश्वास है? बड़ी दुर्गा पर विश्वास है? क्यों झूठ बोलते हैं? हे भगवान, सब पर भरोसा है लेकिन भगवान जी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पूछो क्यों? अच्छा, घर में से जब हम निकलते तो हम क्या कहते हैं? जो भगवान के भक्त होंगे क्या बोलेंगे? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, यही बोलेंगे ना भगवान का भक्त। अच्छा, भगवती का भक्त क्या बोलेंगे? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी, आगे नमोस्तु। सर्व मंगल मांगल्ये, जिसका नाम लेने से सब कुछ मंगल ही होगा, ऐसे कौन? शिवे सर्वार्थ साधिके, भगवती, उसका नाम लेने मात्र से सब कुछ मंगल होने वाला है। और भगवान क्या है? मंगलम भगवान विष्णु। राम जी क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी। कहां तक गिनवा दूं? भगवान का नाम लेने से मंगल होगा, भगवती का नाम लेने से मंगल होगा, हां कि ना? जैसे ही हम यात्रा पे निकलते हैं भगवान को याद किया, भगवती को याद किया, जैसे ही घर से निकले रोड पर आए काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब बोलो क्या होगा? अब ले गए, विश्वास खत्म। मतलब क्या? अच्छी ईमानदारी से बताओ, बिल्ली बड़ी है कि बड़ी दुर्गा है? बड़ी कौन है? बिल्ली। ये दशा है, दुर्गा जी का नाम लेने से सब अमंगल दूर होगा, ये हमें सिखाया, लेकिन इस पर हमें आज तक कोई भरोसा नहीं।
नहीं है, हमें भरोसा कहां है? हमें कोई भरोसा ही नहीं है। ध्यान देना पड़ता। दूसरी बात, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो अष्टयाम समझते हैं, अष्टयाम, हरे राम, राम धुन, राम धुन बोलते हैं, राम धुन, सुन लो, राम धुन से वापस आ रहा था, अंधेरी रात, राम धुन कहां चल रहा था, तो बोले गांव के बाहर, मंदिर में, ठीक, मंदिर और घर के बीच में बहुत बड़ा बगीचा था। अब बेचारा रामधन में इतना मस्त हो गया, समय का ध्यान नहीं रहा, रात्रि के 12 बज गए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, रात्रि के 12 बज गया और उम्र होगी 75, 75 साल, लेकिन अब घर तो जाना है, मंदिर से निकला घर के लिए, जैसे ही बगीचे के पास आया, अकेले था ना, अब याद आया, क्या, हाँ सुना है बगीचे में भूतवा रहता है, देखो आज तो हम अकेले, ऊपर से रात्रि के 12 बज रहा है, बगीचे में घुसा, जाना तो बगीचे के अंदर से ही, माताजी पता है क्या हुआ, अब हनुमान चालीसा निकला। अच्छा हनुमान चालीसा पूरा ना गावे, एक ही लाइन बार बार गावे, कौन सा, हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं, बोलते 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 जा रहा था, अचानक धोती का कोना नीचे खूटी में फंस गया, क्रम से बोलो जैसे चलते में, बाबा धोती का कोना फंस गया खूटी में, अब बूढ़ा बाबा आगे धोती पीछे, वही गिर करके रोती हुई बोला, अरे भूत छोड़ रहे, छोड़ धोती छोड़, अब बताओ धोती फंसी है खूटी में, लेकिन समझ लिया भूत पकड़ लिया, बगीचे में भूत है ये हमको विश्वास है, हनुमान चालीसा में आज तक हमें विश्वास नहीं आया, बोला वृंदावन बिहारी लाल, और हम कहते हम भक्त शिरोमणि हैं, काय का भक्त जी, हनुमान चालीसा में हमको आज तक भरोसा नहीं है, हनुमान जी का नाम लेने से भूत निकट नहीं आता, ये कब भरोसा होगा, तो यानी कि हम अभी भक्ति के पहले सीढ़ी पर नहीं चढ़े, हम अभी भक्ति के पहले सीढ़ी पर भी नहीं है, अगर भक्ति के पहले सीढ़ी पर पावदान पर आपको पैर रखना है तो भगवान पर अटूट विश्वास रखो, मम प्रभो प्रभोरहम, मतलब हम राम जी के राम जी हमारे हैं, उसने हमेशा रक्षा किया है, आज भी करता है, सीधे सीधा, अरे जिस दिन बुरा होना होगा, जब बिल्ली रास्ता काटे, जब कुछ हो जाए, होने वाले को कोई नहीं रोक सकता, बात समझ में आ गई, भगवान पर भरोसा रखो, बिल्ली पर नहीं, बात समझ में आई, भूत पर भरोसा मत रखो, हनुमान जी पर भरोसा रखो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, भरोसा भगवान पर रखो, विश्वास, सीधी सी बात। दूसरा क्या है, संबंध, संबंध माने रिश्ता, भगवान से हमारा रिश्ता क्या है, हमारा रिश्ता क्या है, रावण भरी सभा में कहता है, रावण भरी सभा में कहता है, राम तुम मेरे हो, क्या दुश्मन, बोलो वृंदावन, राम जी ने कहा तो पक्का तेरे घर आऊंगा, भले ही दुश्मन का रिश्ता है लेकिन है ना, कंस भरी सभा में कहता है तुम मेरे हो दुश्मन, बोले बिल्कुल अब तो आऊंगा मथुरा,
वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए भगवान, अयोध्या छोड़ के लंका गए। मुंगेरवासी उनके से पूछो हमारे घर क्यों नहीं आए, किसी को सुनाने के लिए नहीं, अपने दिल से पूछो तुम्हारा भगवान से रिश्ता क्या है। मां माने हैं, बाप माने हैं, अगर माने हैं तो क्या उस हिसाब से रिश्ता तुम निभाते हो। अगर दुर्गा जी सच में हमारी मां है तो तुमने बेटा होने का फर्ज निभाया है, बेटी होने का फर्ज निभाया है। संबंध तीसरा क्या है, समर्पण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। समर्पण मतलब एक बार अगर हमने सिर झुकाया तो फिर सिर उठा के चलना मना है। समर्पण, अब जो किया प्रभु ने किया। एक लाइन बता दूं, मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं इस चीज को और मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज। हम सबकी आदत क्या है, बन गया तो हम कहते हैं हमने किया, और बिगड़ गया तो जाही भी दीरा के राम राहु दीदी। नहीं, गलत बता दूं, अगर काम बन गया तो क्या बोलना चाहिए, प्रभु की कृपा है। काम हो गया तो प्रभु की कृपा है, काम बिगड़ गया तो हरि इच्छा। प्रेम से बोलो, हरि इच्छा। बिगड़ गया तो हरि इच्छा, बन गया तो प्रभु की कृपा है। दोनों में ठाकुर जी, यह है असली भक्ति। ऐसा जब हम भक्ति करेंगे, और यही भक्ति का सूत्र है। आप किसी भी भक्त के जीवन में देखो, ये तीनों उनके जीवन में, जब गोस्वामी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे वसूर हो, कबीर हो, कोई भी, तीनों चीज विश्वास, संबंध और समर्पण। ये है कपिलोपाख्यान। आप ज्यादा देर न लेकर के, मैं आपको सीधे लेकर के चलू बड़ी सुंदर आगे का प्रसंग में, और समय तो बड़ा तेजी से भाग रहा है। भगवान दो बार भगवान तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। रुको 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 रुको, ऐसा तो नहीं है कि आप खूब ताली बजाएंगे तो समिति के लोग हमसे कहेंगे शास्त्री जी इस बार 1,000 रुपया बढ़ा देते हैं। और ये भी नहीं है कि आपने ताली नहीं बजाया तो समिति लोग बोलेंगे पैसा कट गया। आपका ताली बजाने से ना मेरी दक्षिणा बढ़ने वाली है, लेकिन आपका पक्का घाटा होने वाला है। अब पूछो क्यों, जो पीछे तक लोग बैठे हैं, मुंगेर के 4 गो नोनू लोग बम्बई कमाने के लिए गए, ठीक है। अब ये मत पूछना किसका था, नो नो नो, सुन लो भैया, बहुत से अपना बच्चा लोग गए हैं मुंबई कमाने। ए भगवान, चारों एक ही जगह काम करते थे, एक ही गांव में रहने वाले थे, एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, तो फैक्ट्री वालों ने उनको एक कमरा दिया रहने के लिए। वो कहां, बोले 200वां तल्ला पर। जो बंबई गए उनको मालूम है 20वां तल्ला पर। जो दादी लोग कथा में आई, दादी 20 तल्ला चढ़ने की जरूरत नहीं है, एक मशीन है उसमें अंदर चले जाओ, बटन दाबो तो आप सीधे ऊपर जाओगे। सीधे ऊपर मतलब भगवान जी के पास नहीं, और नहीं तो मुंगेर के लोग सोचे अच्छा भगवान के पास भी जाने वाला मशीन आ गया। ऊपर मतलब 20वां तल्ला पे जो बटन दाबेंगे उस माले पे पहुंच जाएंगे, उसको लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुना, अब हुआ क्या, बेचारा बच्चा लोग सब काम करके आए, जैसे ही आए
तो बाहर बोर्ड लिख के रखा था लिफ्ट खराब है कृपया सीढ़ी से जाएं। अब आप जितने मेरे भैया लोग, भैया मुंबई का ट्रैफिक, मुंबई का लोकल ट्रेन कितना झंझट है, ऊपर से 8 घंटे की ड्यूटी करो, थके मारे चारों जब उतरे अपने फ्लैट के नीचे आए, बोर्ड पढ़ करके दिल टूट गया। ओहो, अब तो 20 तल्ला चढ़ना पड़ेगा। तो एक ने कहा, भैया बाहर तो सोएंगे नहीं, चढ़ना तो पड़ेगा, एक काम करते हैं। क्या? हम ना आपको राम जी के जन्म की कथा सुना देंगे। तो तीनों ने पूछा, फायदा क्या होगा? बोले, कथा सुनते सुनते हम लोग चढ़ते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, चढ़ते जाएंगे, सुनते जाना, चढ़ते जाएंगे, बोलते जाएंगे, 5 तल्ला मैं पार करवा दूंगा बड़ो वृंदावन बिहारी लाल की। आप जितनी मेरी माताएं कथा में आई हैं, भैया लोग आए हैं, वैष्णो देवी गए हैं, सब लोग गए हैं लगभग। वैष्णो देवी जाते समय आप लोगों ने देखा है, सबके मुंह से एक आवाज निकलती है, वो क्या निकलती है? प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलते हैं ठीक है। बड़ी दुर्गा जी यहां भी है, रोड पर जाते समय हमने तो नहीं सुना प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, तो पहाड़ चढ़ते समय जय माता दी क्यों बोलते हैं? देवी जी से प्रेम है इसलिए नहीं है, फिर पहाड़ चढ़ाई में हमें आसान लगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अगर वो समतल रास्ता होता तो कोई जय माता दी नहीं बोलता, तब तो आदमी गप करके जाता, मैं सच बोल रहा हूं, ये चढ़ाई इतनी कठिन है, आदमी दुखी होकर के बोलते जय माता दी, जय माता दी। वही आदमी मुंगेर से, शास्त्री नगर से बड़ी दुर्गा जाता तो रास्ते में कोई नहीं बोलता प्रेम से बोलो जय माता दी, क्यों नहीं बोलता? वो चढ़ाई नहीं है ना। तो हम कुछ बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो ध्यान भटक जाएगा और हमें पता नहीं चलता है, बस समझ में। तो उसने कहा, काम करते हैं, मैं आपको राम जी के जन्म की कथा बता दूं और उससे हमें पता नहीं चलेगा, रास्ता आसान हो जाएगा। तो दूसरे ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम राम जी के ब्याह सुना देंगे। तो तीसरे ने कहा, हम भरत जी का चरित्र सुना देंगे। तो चौथा ने कहा, जब तुम तीनों सुना दोगे तो हम भी कुछ सुना देंगे। पहले ने सुनाया 5 तल्ला पार कराया, दूसरे ने राम जी का ब्याह सुनाया 10वां तल्ला पर पहुंच गए, तीसरे ने भरत जी का चरित्र सुनाया 15वां तल्ले पर पहुंच गए। भैया 15 तल्ला, पैर हाथ पैर की हालात कितनी नाजुक हो गई होगी, 15 तल्ला चढ़े, मेहनत करके चढ़े। तीनों ने कहा, हे छोटू, हाँ अब तुम्हारी बारी है, तुम कोई अच्छी कथा सुनाओ बच्चा, 5 तल्ला तुम्हें पार करना है। छोटका ने कहा, भैया हाँ हम ऐसी कथा सुनाएंगे आप सबका होश उड़ जाएगा। क्या? कमरे की चाबी नीचे गाड़ी में छूट गई। कमरे की चाबी नीचे छूट गई। तीनों एक दूसरे को देख करके बोले, फिर से बोलो, भूत ला गए, चाबी तो नीचे छूट गई। तीनों ने कहा, जा नीचे, तू जा और लेके आ। उसने कहा, हम नहीं जाएंगे अकेले, चलो सब लोग चलो। मतलब क्या हुआ? अब 15 तल्ला तो चढ़ के, अब 15 तल्ला फिर उतरो, तो कितना हुआ? 15 15, अब 20 चढ़ना वो बाकी है। चारों ने कहा, रात भर यही चलता रहेगा। वही दशा हम मंगेर वालों की होने वाली है। कैसे? हम यहां योग कथा गंगा स्नान सब करके ऊपर चले गए, भगवान ने पूछा कहां से? हमने कहा मुंगेर से। मुंगेर? अरे आप लोग तो बड़े धर्मात्मा हैं, ये कमरा मुंगेर वालों का है, जब हम गए ना तो ताला पड़ा है। हमने कहा इसकी ताली कहां है? ताली मतलब समझ रहे हैं, ताला ताली, ताली माने चाबी, चाबी कहां है? हमने कहा हमारे पास कहां है? भगवान ने कहा तुमने कथा में ताली नहीं पीटी। बोले ना, तो नीचे छूट गई। प्रभु से बोलो जय श्री कृष्ण।
क्यों? कीर्तन में भजन में जब हम ताली पीटेंगे तभी ताली वहां मिलेगी, नहीं तो ताली नीचे छूट जाएगी। पता चला 15 तल्ला चढ़ के गए, फिर 15 तल्ला उतरो, फिर 20वां तल्ला जाना है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सबकी ताली बजेगी, है ना। थोड़ा अपने अपने बगल वाले पर ध्यान देना, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं बजा तो बजाओ, ताली नीचे छूट जाएगी। अलबेले राम मेरे, अलबेले राम, अलबेले राम मेरे, अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी इस लंबे सफर, थक भी गया हूँ इस
लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे में बड़ी गजब का भाव है। देखो आप जितने मेरे बुजुर्ग लोग कथा में आए हैं, माताएं लोग और मेरे बाबा लोग, बहुत ध्यान से सुनना। हम या दुनिया का कोई मालिक नौकर को पेमेंट कम देगा, सुबह देगा कि शाम, मजदूरी कब मिलेगी, सुबह सुबह मिलेगी कि शाम को, शाम को मिलेगी। दिन भर हमने क्या किया, शाम को हिसाब होगा। कुछ समझ में आ रहा है, जिंदगी भर क्या किया, शाम को हिसाब होगा। प्रेम से बोलो जय श्री। बाकी अर्थ घर में जाके निकाल लो, बुढ़ापा बताएगा बेटा दिन भर काम क्या किया, शाम को मिलेगा। अगर काम अच्छा किया तो मालिक इनाम देगा, और अगर काम गलत किया तो पक्का डांट पड़ेगी। फिर से बोलो जैसे बात समझ में आ रही है। आखिरी पंक्ति है, बड़ी सुंदर पंक्ति। तेरी रजा में अब करनी है शाम, 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 तेरी रजा में अब करनी है शाम। आखिरी लाइन करोड़ों की, क्या दे दो सजा या इनाम, सजाया।
चले गए गंगा सागर में। आज भी भगवान गंगा सागर में निवास करते हैं। अब मैं आपको सीधे लेकर के चलूं मनु महाराज की दूसरी पुत्री, नाम है प्रसूति। राजकुमारी प्रसूति का विवाह है दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति सब लोग जानते हैं, दक्ष प्रजापति और प्रसूति के घर स्वयं आदिशक्ति पराम्बा भगवती सती महारानी पैदा हुई। सती का विवाह किससे हुआ? देवादिदेव महादेव। ध्यान से सुनो, हम सब कथा में आए हैं। अगर कथा में आना है तो तीन चीजें लेके आओ। सुनाई दिया, आप कहीं भी जाओ कथा में, चाहे वो भागवत की हो चाहे सत्संग हो, अगर आपके पास तीन वस्तु हैं तब तो आपका यहां आना बैठना सार्थक है, नहीं तो आप घर चले जाओ। तो तीन वस्तु क्या है ध्यान से सुनो। सबसे पहला है एकाग्र मन। एकाग्र मन, आप जितने मेरे भैया लोग कथा में आए हैं, अगर मन एकाग्र नहीं होगा तो कथा में बैठने से कोई फायदा? बैठे हैं कथा में लेकिन चिंता घर की है, क्या फायदा? जाओ घर चले जाओ। मन को एकाग्र, दूसरा निर्मल हृदय। इस तरह दूसरा क्या है? निर्मल हृदय। अब इसका क्या जरूरत है? मन हमारा एकाग्र है, एक एक बात हमारे कानों से भीतर जा रही है, ठीक है। लेकिन आपने कभी कल्पना किया, जैसे ही आरती जल जाती है और हम उठ जाते हैं, नजर घड़ी पर पड़ गया, फिर घर में जाके ईमानदारी से बताना कितनी बातें हमें याद।